जो हमारी टीम थी उसको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मतलब सब टैलेंटेड प्लेयर है, समझ रहे हो, एक से बढ़ के एक है, तुम सबको पता है। बट कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट करी वो मतलब काम नहीं करी। लाइक मेरा ऐसा था कि मैं खुद का नहीं बता रहा कि लाइक थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं बीजेस वगैरह के लिए, क्योंकि जितना तो तुम्हें पता है ऑब्वियस है कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे कोई भी चीज़ में, थोड़ा सेक्रीफाइस तो बन, देखो कोई भी टूर्नामेंट पास वगैरह थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज़ों में सेक्रीफाइस करनी पड़ती है अपन को। तो मैं ये एक्सपेक्ट लेके मतलब इधर आया था करके, तो मेरा मेन यही था कि मैं स्टार्टिंग में जो हमारा मैनेजर था टॉम, उससे बात हुई थी अच्छी खासी मेरी, कि हम सब मतलब 3-4 दिन स्टार्टिंग के बहुत अच्छे गए मेरे। बट उसके बाद में थोड़ा सा सीन ऐसा हुआ कि लाइक पेड वगैरह जो अपन कस्टम खेलते हैं नॉर्मल, वो उसमें अपन हम लोग इतना मन वगैरह से नहीं कर रहे, समझ रहे, टाइम पास खेल रहे थे हम, ये समझ के नहीं खेल रहे थे कि लाइक बीजेएस है तो कुछ सीखने को मिलेगा वगैरह वगैरह करके। तो वही है कि चीज़ें को सीरियसली नहीं, मतलब इतना मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी टीम, बोला मैं भी नहीं था सीरियस वगैरह करके, मैं तुम्हें मेन जो चीज़ें एक टीम में होती है वो बता रहा हूँ। और ड्रीम टीम इसका मैं बता रहा हूँ भाई, देखो मैं भी हूँ ड्रीम टीम में, ठीक है, मैं भी था, मैं खुद को मानता हूँ भाई, मेरे को ताने वाने, मैं सच जो सच सच बात है वो बता रहा हूँ, तुम लोग को पता है चारों बंदों में टैलेंट था, बट वो है कि चारों बंदों का एम एक साथ एक जगह नहीं था, सबका अलग अलग था, किसी को ज़्यादा करना है, किसी को कम करना है, कोई और चीज़ में गुस्सा बढ़ा करके। एक पेड़ वगैरह वगैरह सीरियस नहीं खेलते थे हम। और सीन ऐसा हुआ कि मेरे मतलब मेरा माइंड में एक ही चीज़ थी कि मेरे को जीतना है यार, देखो। और मैंने सबको जितना हो सके मैंने ट्राई किया पुश करवाने का मेरी साइड से, कि मैंने सबको पर्सनली भी समझाया है और मतलब एज ए टीम के अंदर डिस्कशन हुआ है उसमें भी समझाया कि ये चीज़ में हमें वह करना चाहिए। तो वो चीज़ें मेरे हिसाब से गई नहीं सही, लाइक एक बोलते हैं ना डेडिकेशन, जो अपन को होना ज़रूरी है ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करने के लिए, वो थी नहीं, वो थी कब, जैसे ही लास्ट टूर्नामेंट, जैसे कल टूर्नामेंट है तो आज सारी डेडिकेशन आ गई, वो सीन हुआ। तो मेरे को वो चीज़ को लेकर मैं, मेरे को ख़राब लगा, क्योंकि तुम ये बताओ एग्जाम के चलो एक दिन पहले कि तुम पास हो जाओगे, लेकिन टॉप थोड़ी कर सकते हो भाई, टॉपर वगैरह तुम्हें एटलीस्ट बेसिक वगैरह क्लियर होने चाहिए, फिर तुम लास्ट में पढ़ के टॉप कर जाओगे। मेरा वैसे ही है कि एटलीस्ट तुम लोग का बेसिक भी क्लियर नहीं है ना मेरा है, तो अपन एक साथ खेल के प्रैक्टिस करके अपन आगे बढ़ते हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मेरा मेन यही था भाई तुम लोग को बताना कि भाई कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात थी, तो उनको बताना है तुम लोग कोई भी टीम बनाओ या कुछ भी करो तो चारों बंदों का माइंड सेट सेम होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, समझ रहे हो, किसी का अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही है एक बंदा पुश करेगा किसी और को, उसका अलग माइंड सेट रहेगा, वो अलग डिस्ट्रैक्ट रहेगा, वो नहीं चाहिए टीम में। मैं तुम लोग को वही चीज़ बता रहा हूँ भाई, तुम अगर स्पोर्ट्स में घुस रहे हो चार बंदे ऐसे ढूंढो तो तुम्हारे जैसे हो, जो तुम्हारी कॉल सुने, तुम्हारी रेस्पेक्ट करें, और ईगो बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। देखो मैंने मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें देखी है, ईगो वगैरह भी बहुत चीज़ें देखी, मैं बता नहीं सकता भाई, वरना कुछ बच्चे वो बोलेंगे आर्डर करता रहता है, कुछ करता रहता है, देखो मैं वो बात अलग है, मैंने जो किया है सच बताने के लिए किया भाई,